In which fruit crop maximum area among fruit crop? यानी कि जो है सभी फलों में सबसे ज्यादा एरिया यानी क्षेत्रफल किस फल का है? ये क्वेश्चन आपको हमने भी जस्ट पहले बताया था। इसमें जो है मैंगो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी दोस्तों, सबसे जरूरी बात ये है कि जो है सबसे पहले ऑप्शन जो आता है वो आपका सही होगा, भले ही उसमें दोनों ऑप्शन सही हों, लेकिन सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाएगा वो सही होगा। जैसे इसमें दोनों जगह पे वैसे मैंगो लिख गया है सी एंड डी में, लेकिन आप अगर डी वाला ऑप्शन मारते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा, जबकि सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जबकि नेम जो है आपके सेम है। इसीलिए जैसे मान लो एक आप एग्जांपल ले लो कि आपसे पूछा जाता है कि इनमें से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो उसमें आपको दो मान लो दे दिया एन पी जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक एंड मैग्नीज, तो जिंक एंड मैग्नीज जो है दोनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन उसमें जो है सबसे सी ऑप्शन जिंक आया है और डी मैग्नीज है, तो उसमें सी ऑप्शन ही सही होगा। इस तरीके के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं, जिससे कि कुछ लोगों को जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसीलिए हमने आपको ये बता दिया, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है बात है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेंट्स मैक्सिमम फैट, सबसे ज़्यादा फैट किस में होती है? एवोकाडो में 24% होती है, केस्यू नट 26 एंड वॉलनट में 64% होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रूट टाइप इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का जो फल का प्रकार होता है वो आपका जो होता है डी ऑप्शन होता है सरोसिस, बेलेस्टा, पोमग्रेनेट, टेम्पिस, बेरी में जो आ जाता है पपाया आपका जो है और बनाना है, ये सब आपके बेरी में आते हैं। सिंगल सीडेड नट फ्रूट इज फाउंड इन व्हिच फ्रूट, जो सिंगल सीडेड नट फ्रूट कौन सा होता है वो आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीची। लीची जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लीची एक नट फ्रूट है और इसमें एक ही बीज पाया जाता है। Which of the following fruit is suffering from physiological disorder? कौन सा ऐसा फल है जो सबसे ज्यादा physiological अकारकीय विकार यानी physiological disorder से प्रभावित होता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला फल है आपका वो है आपका सी मैंगो, सबसे ज्यादा इसमें disorders लगते हैं, लगभग 13-14 disorders हैं। In which country मोस्ट इंटेंसिव फार्मिंग इज प्रिवेलेंट, सबसे ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ पर की जाती है? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका जापान। सुटेबल टाइम फॉर प्रूनिंग इन पीच, पीच में जो है सबसे उपयुक्त समय प्रूनिंग का कौन सा होता है? आपका लेट दिसंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट होता है क्वेश्चन, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट में डाल लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायोसियस फ्रूट क्रॉप, डायोसियस फ्रूट क्रॉप आपका जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डेट पॉम। डेट पॉम जो है आपका डायोसियस फ्रूट क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप रिक्वायर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा होता है? फुल है आपका बनाना हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर इज यूज फॉर रूट फॉर्मेशन, तो इसमें आपका ए वाला हो जाएगा आई बी ए इन आई बी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और आई ए ए भी जो है रूट फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। सीफेट इज सिचुएटेड एट, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर
पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर है? लुधियाना पंजाब में है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज सिंधु। सिंधु जो है इसमें है सीड नहीं पाया जाता, यानी कि बहुत ही नाम मात्र का कोई कोई फल में पाया जाता है बीज, इसीलिए इसको सीडलेस बोलते हैं।